एकदम बढ़िया लस्सी बनाए हैं, एकदम बढ़िया लस्सी, बिंदास एकदम खुल्ला, यही सब है, गन्नक जूस है, लस्सी है। पहले आ गई है घर में, ये तस्वीर कहीं और की नहीं, रायबरेली के बस स्टॉप की है। आवागमन किस प्रकार से जारी है ये आप देख सकते हैं, पर एक तरफ जहां कोरोना भारी है तो वहीं भीषण गर्मी भी अब लोगों की जान ले रही है, लोगों की जान निकलती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, जिस प्रकार से भीषण गर्मी बढ़ रही है, लोग पूरी तरह परेशान हो रहे हैं और घर से निकलना भी लोगों का कम हो गया है। सबसे ज़्यादा प्रमुख चीज़ें हैं कि आखिरकार इस भीषण गर्मी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के बचाव में काम आएंगी, यानी राहगीरों को किस प्रकार से राहत मिल सकती है। बात करेंगे बस स्टॉप पे किस प्रकार से लोगों को राहत दिला रहा है ये लस्सी की जो शॉप लगी है यहाँ पे, उससे इस बात का तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जिनसे लोगों को राहत ज़रूर मिलती है। मैं चलूँगा इनसे ही बातचीत करने का प्रयास करूँगा, आखिरकार कैसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और किस प्रकार की उनकी डिमांड होती है, किस प्रकार से आप बना के पिलाते हैं लोगों को। क्या नाम है भैया आपका? सचिन। कब से आपकी दुकान आप लगा रहे हैं? यहाँ पे हम लगा रहे हैं 1.5 महीने हो गए। क्या लग रहा है, गर्मी बढ़ गई है, गर्मी अब की बात बेटाइम आई है, कोई टाइम नहीं इसका? पहले आ गई है गर्मी, पहले आ रही है। किस प्रकार से निपट रहे हैं आप लोग इस समय? तो डाउन है इस समय। हाँ, कैसे बनाते हैं लस्सी आप? लस्सी वही दही है, चीनी, मिश्री और काजू वाजू पड़ता है। हाँ, लोगों की डिमांड कितनी है? लोग आते हैं? लोग तो आते हैं, बहुत कम की मांगते हैं, और लेकिन हम लोगों को महंगा पड़ रहा है। और रेट पहला भी यही है, पहले 1 रुपये का 8 आने का कुल्हड़ था, अब 2 रुपये का 1 कुल्हड़ है। ये लस्सी बनाए हैं ना? हाँ दादा, एकदम बढ़िया लस्सी बनाए हैं, एकदम बढ़िया लस्सी, बिंदास। कितने की दी है? 20 रुपये की। हाँ, एकदम फुल राहत। कैसे बच रहे हो? यही सब है, गन्नक जूस है, लस्सी है। क्या करते हैं? सहलक का काम करते हैं, खाना बनाते हैं। हाँ, तो गर्मी अब की बार बहुत पड़ रही है। हाँ, कैसे बचते हैं चीजों में? बचते का छवा दिन जाते हैं, पंडाल वंडाल वही नीचे काम करना पड़ता है। जो लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए वो राहत किस प्रकार से लोग ले रहे हैं, गर्मी में किस प्रकार से बच रहे हैं, इन चीज़ों को भी आपने देखा। देखेंगे हम लस्सी भाई साहब ने कैसे, इसको खोलेंगे क्या इसमें? अब आइए आपको दिखाता हूँ कि जो यहाँ की स्वादिष्ट लस्सी है यहाँ पे जो बनाते हैं भाई साहब, वो किस तरह दिखती है, क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं, आप देखिए इनको। तो हालांकि इसको देख के आपके मुंह में पानी ज़रूर आ रहा होगा, पर बिल्कुल अगर आप रायबरेली के बस स्टॉप से होकर गुजरें तो इन जैसी जो शॉप्स होती हैं उनमें ज़रूर जो जायका है वो ज़रूर लें, क्योंकि जहाँ एक गर्मी में इससे राहत मिलेगी आपको, वहीं दूसरी तरफ एक परिवार को भी मजबूती मिलेगी। क्योंकि इस प्रकार के जो छोटे छोटे रोजगार हैं वो कई ऐसे परिवारों के लिए रोजी रोटी का कार्य करते हैं। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस गर्मी का ही जो मौसम है वो लस्सी दुकानदारों के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है उनकी रोजी रोटी को लेकर, यही रोजी रोटी से वो अपना परिवार चलाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो होमगार्ड है वो काम करते हैं, छाँव में है, हालांकि अभी रुके हुए हैं, किस प्रकार से गर्मी से बच रहे हैं, किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं वो आप देख सकते हैं। आपको आप ये व्यवसाय देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो बस स्टॉप का जो चौराहा है, हालांकि लोगों का अब आवागमन बहुत स्लो हो गया है, जबकि इन रोडों पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी, इन रोडों से लोगों का आवागमन लगातार जारी रहता था। हालांकि पर अब का जो समय है वो देख रहे हैं कि लोगों का घर से निकलना कम हो गया है, उसका प्रमुख कारण, उसका मुख्य कारण सिर्फ गर्मी है। और गर्मी से किस प्रकार से बीज बचाव किया जा सकता है ये लगातार आप लोग स्वयं कर रहे हैं, और गमछे का प्रयोग भी लोगों को देखने का मिल रहा है। अखिल श्रीवास्तव एक्सप्रेस रायबरेली। रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सटीक।